कारोबारी आइडियाज़ की तलाश में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है, उसे ऐसा कारोबार आइडिया मिले जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और मुनाफा की शरह ज़्यादा हो। ऐसे बहुत से कारोबार हैं जिनको शुरू करने के लिए आपको कम सरमाए की ज़रूरत होती है और आप इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताएंगे जिन्हें आप 1 लाख से शुरू कर सकते हैं और इसमें मुनाफा की शरह भी ज़्यादा है। वो चंद बिजनेस आइडिया कौन कौन से हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बच्चों के गारमेंट्स, बैग्स का कारोबार, बेकरी की मसनूआत बनाएं, शहद का कारोबार, अचार या मुरब्बा का कारोबार। बच्चों के गारमेंट्स का कारोबार इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। ये कम वक्त में तैयार हो जाते हैं, आप उसे 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। आप बच्चों के गारमेंट्स खुद से बनाना शुरू कर दें। बड़ों के मुकाबले में बच्चों के गारमेंट्स पर खर्चा कम आता है और मुनाफा की शरह भी ज़्यादा है। कोशिश करें खुद का ब्रांड बनाएं और इसके लिए आपको 1 अदद लोगों की ज़रूरत है। लोगो बनवाएं और काम शुरू कर दें। बैग्स का कारोबार, शापर की बजाय कागज़ और कपड़े के बैग्स को तरजीह दी जा रही है और मुस्तकबिल में अमकान है शापर ख़त्म कर दिए जाएंगे, इसलिए कपड़े और कागज़ के बैग बनाकर भी कम सरमाए से कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। बैग्स के ऊपर अच्छी प्रिंटिंग करके उन्हें मुनफरिद बनाया जा सकता है। बेकरी की मसनूआत बनाएं, बेकरी का कारोबार भी कम सरमाए से शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में आप 2 से 3 चीज़ों से शुरू करें, जैसा कि रस, केक, बिस्किट वगैरह। मेयार और जायका पर भरपूर ध्यान दें और अपने करीबी मार्केट में बेचना शुरू कर दें। जब आपका कारोबार कामयाब हो जाए तो बेकरी मसनूआत बढ़ाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएंगे। शहद का कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार है। आप होलसेल रेट पर शहद खरीदें, इसकी अच्छी पैकिंग करें, इस पर खूबसूरत लेबल लगाएं और मार्केट में बेचना शुरू कर दें। इसके अलावा शहद ऑनलाइन भी फरोख्त किया जा सकता है। शुरू में आप शहद होलसेल रेट पर लेकर सेल करें। जब आप कारोबार कामयाबी से चलने लगे तो आप खुद से भी शहद की मक्खियां पालकर शहद हासिल कर सकते हैं। अचार या मुरब्बा का कारोबार, पाकिस्तान में अचार और मुरब्बा बहुत ज़्यादा सेल होता है। आप मुख्तलिफ फलों का मुरब्बा बनाकर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आम, मर्च, लीमू का अचार बनाकर भी फरोख्त किया जा सकता है। अच्छी से पैकिंग होनी चाहिए और खूबसूरत सा लेबल लगा हो तो ग्राहक आपका अचार या मुरब्बा खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। आप अपना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर आप क्वालिटी और पैकिंग अच्छी रखेंगे तो आपके ब्रांड का भी मार्केट में नाम होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बिज़नेस आइडियाज़ पसंद आए होंगे। मज़ीद अच्छे और कामयाब बिज़नेस आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को बर वक्त वसूल हो सके।